हेलो डियर एट क्लास स्टूडेंट्स एंड मैनेजमेंट हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि क्रॉप्स कितने तरह के होते हैं और कौन कौन से सीजन में उगाए जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू सीजन हमने तीन तरह के क्रॉप्स पढ़े थे खारिफ रबी एंड जायड क्रॉप्स सो so, आफ्टर खारिफ रबी एंड जायड हम लोगों ने क्या पढ़ा आगे दैट क्रॉप प्रोडक्शन में कौन कौन से प्रोसेस यूज होते हैं इन सीक्वेंस सो द वेरी फर्स्ट प्रोसेस वॉज सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल की प्रेपरेशन कैसे होती है बाय टू प्रोसेस नंबर वन प्लोइंग एंड नंबर टू लेवलिंग प्लोइंग एंड लेवलिंग से सॉइल की प्रिपरेशन होती है हम लोग प्लोइंग के बारे में डिस्कस कर चुके थे अब हम डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट लेवलिंग प्लोइंग में क्या यूज हो रहा था प्लो यूज हो रहा था In this shape, है ना? इसको हम क्या बोल रहे थे प्लो जो जनरली किससे बना होता है वो से भी बना होता है, ठीक है? जो अनवॉन्टेड पौधे उग जाते हैं या अनवॉन्टेड कीड़ा लग जाता है उसको रिमूव करने के लिए हो यूज होता है एंड हो और किस लिए काम आता है टू लूज दॉयल को लूज करने के लिए इट हैज लॉन्ग रॉड of wood or iron a strong broad and bent plate of iron is fixed to one of its end and works like a blade hoe is pulled by animals this is the hoe jo ki hum apne ghar pe bhi use karte hain hai na next cultivator kya hota hai Cultivator भी एक plowing की machine है plowing का एक tool है जिसके पास metal के blades होते हैं like this, जो कि आपने देखा होगा tractor के साथ बंधे होते हैं right? उसके बाद what is leveling? लेवलिंग का मतलब देखो क्या होता है जब हम फील्ड को प्लो कर देते हैं तो कुछ सॉयल के बिग बिग पीसेस हो जाते हैं लाइक like देख रहे हैं ना मोटे मोटे पीसेस तो उसकी लेवलिंग की जाती है ठीक है उन बिग पीसेस को क्या बोलते हैं ऑफ तो इन को ब्रेक किया जाता है विद अ प्लैंक नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लैंक यहां देखो एक सपोज करो एक वुडन का प्लैंक है ये वुड का एक फट्टा है इसको काओ या बफलो लेके घूमती है ताकि जो भी बड़े बड़े सॉयल के है. फ्लोइंग के बाद बच जाते हैं लम्ब्स वो सेटल डाउन हो जाए ठीक है तो लम्ब्स जनरली कैसे सेटल डाउन होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर सो वी कंप्लीटेड द फर्स्ट प्रोसेस दैट इज प्रिपरेशन सेकेंड इज एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर सेकेंड प्रोसेस क्या आता है एडिंग मेन्यर एंड फर्टिलाइजर वॉट इज द मीनिंग ऑफ मैन्योर मेन्योर का मतलब होता है खाद खाद को डालना ठीक है और फर्टिलाइजर हम हमेशा स्प्रे करते हैं तो मेन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि कहाँ से ऑप्टेन किया जाता है कैटल डंग की डीकम्पोजिशन से ह्यूमन वेस्ट के डीकम्पोजिशन और प्लांट के रेजिड्यू क्या होता है हमारे किचन में वेस्ट बच जाता है तो उसके रेजिड्यू से हम लोग क्या बना सकते हैं मेन्योर बना सकते हैं ठीक है ठीके? उसके बाद इसकी डिकम्पोजिशन किसके थ्रू कराई जाती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू करवाई जाती है और इसको हम क्या बोलते हैं नेचुरल फर्टिलाइजर भी बोलते हैं क्योंकि मेन्योर नेचुरल सोर्सेस से लिया जाता है

वो को क्या बना देते हैं फर्टाइल बना देते का काम करते है. fertilizer. होते हैं का स्प्रे करते हैं है, तो हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं ठीक है तो मार्केट से जो फर्टिलाइजर है वो जनरली कौन कौन सा मिल जाता है एनपीके एनपीके का मतलब क्या है नाइट्रोजन फोस्फोरस एंड पोटेशियम ओके और अगर हम इन फर्टिलाइजर्स का एक्सेसिव यूज कर देते हैं तो हमारी सॉयल के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है ठीक है दे वॉश अवे विद रेन वाटर एंड पोल्यूट द सोर्सेज क्या होता है फर्टिलाइजर्स का स्प्रे तो मार दिया जाता है खेतों में फील्ड में लेकिन जैसे ही बारिश आएगी वो जो स्प्रे है वो पानी के साथ घुल के कहाँ चला जाएगा किसी भी रिवर में चला जाएगा रिवर में कौन रहता है एक्वेटिक रहते हैं उससे उनकी क्या हो जाएगी डेथ हो जाएगी सो so, इफ यू गो फॉर द डिफरेंस बिटवीन मेन्योर एंड फर्टिलाईजर तो पहला डिफरेंस क्या है कि मेन्योर एक नेचुरल सबस्टांस है ठीक है और फर्टिलाइजर एक इनऑर्गेनिकल जनरली कहा प्लांट वेस्ट डीकम्पोजिशन मीन्स तोड़ना सेकेंड इट इज प्रिपेयर जो मेन्योर है वो कहाँ प्रिपेयर होता है फील्ड के अंदर और लेकिन जो फर्टिलाइजर्स है वो कहाँ प्रिपेयर होता है फैक्ट्रीज के अंदर आर्टिफिशियली

लेकिन सोइंग ऑफ सीड से पहले एक टॉपिक आता है कि सॉइल की एनरिचमेंट और कैसे की जा सकती है सॉइल की एनरिचमेंट कैसे की जा सकती है अगर हम अपने खेतों में एक ही क्रॉप बार बार ना उगा के सीजनल क्रॉप उगाए एक बार कुछ उगा लिया अगले सीजन में कुछ अगले सीजन में कुछ उसके बाद कुछ अलग अलग क्रॉप्स उगाए तो हमारे फील्ड के जो न्यूट्रिय हैं वो मेनटेन रहते हैं ठीक है और हम क्या कर सकते हैं ग्रीन मेन्योरिंग कर सकते हैं ग्रीन मेन्योरिंग का मतलब क्या होता है कि जो ग्रीन प्लांट्स है उसको हम सॉइल के अंदर डंप आउट कर सकते हैं ठीक है और क्या यूज होता है एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया यूज होता है जिसका नाम क्या है राइजोबियम राइजोबियम भी क्या करता है सोइल को एनरिच करता है इज इट क्लियर आगे चलते हैं थर्ड इज सोइंग ऑफ सीड्स सीड्स को बोना दैट इज सोइंग ऑफ सीड अब सोयल प्रिपेयर हो गई फील्ड सोइंग के लिए रेडी है तो सोइंग क्या प्रोसेस होता है इट इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स इन प्रिपेयर्ड सोइल देयर इज वन गुड मेथड टू सेपरेट गुड सीड्स फ्रॉम द इनफेक्टेड सीड्स इट इज डन बाय द फॉलोइंग स्टेप्स सबसे पहले हमने सीड्स को बकेट में डाला उसको हमने स्टर किया मींस घुमाया कुछ टाइम बाद हमने उसको क्या देखा पानी डाला और पानी डाल के कुछ सीड सेटल डाउन हो जाती हैं जो सीट सेटल डाउन है हमें पता है उनके पास क्या होगा आफ्टर सम टाइम गुड सेटल डाउन एट द बॉटम जो सेटल डाउन है वो क्या है गुड है और जो सीट ऊपर हैं वो सीट कौन सी हैं इन्फेक्टेड सीट्स नाउ सेपरेट द इनफेक्टेड सीट ऊपर वाली सीट को हम निकाल लेंगे ठीक है और बाकी हमारे पास नीचे रह जाएगा सो देर आर टू मैथड्स ऑफ सोइंग द सीट्स ट्रेडिशनल मैथड्स एंड सीट ड्रिलिंग मैथड ट्रेडिशनल मेथड का मतलब क्या होता है कि एक टूल यूज किया जाता है सोइंग द सीड्स के लिए जिसकी शेप कैसी होती है फनल जैसी दिस इज द फनल ठीक है फनल जैसी शेप होती है सीड्स इस फनल में पास कर दिए जाते हैं और इसके आसपास दो तीन पाइप लगे होते हैं आधी सीजियां आधी सीजियां आधी सीजिया आजकल क्या यूज होता है सीड ड्रिलिंग मेथड ऐसे दिस मेथड, ट्रैक्टर चल रहा है सीड ड्रिल पीछे चल रहा है यहाँ पे क्या डाली जाएंगी सीड्स डाली जाएंगी और एक पर्टिकुलर सेंटीमीटर के डिस्टेंस में सीड्स को क्या कर दिया जाएगा बो दिया जाएगा मीन सो कर दिया जाएगा राइट सो दिस इज ऑल अबाउट सोइंग ऑफ सीड सोइंग ऑफ सीड भी खत्म हो गया मीन्स थर्ड प्रोसेस भी खत्म हो गया अब पानी देना पड़ेगा सो इरीगेशन इज द फोर्थ प्रोसेस सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट एप्रोप्रिएट इंटरवल फॉर कल्टीवेशन कल्टिवेशन के लिए एप्रोप्रिएट इंटरवल तक सप्लाई करना पानी उसको हम क्या बोलते हैं इरीगेशन सिंस द टाइम एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल फ्लक्चुएट कुछ नहीं भरोसा कि कभी रेन आ रही है कभी नहीं आ रही ठीक है लेकिन खेतों को तो क्या चाहिए इरीगेशन मीन्स पानी चाहिए द टाइमली मॉनसून रिजल्ट इन अ गुड हार्वेस्ट अगर मॉनसून अगर जो बारिशों का मौसम होता है वो टाइम से आ जाए तो क्या होगा फाइनली गुड हार्वेस्ट होगी मीन्स जो हमारा प्रोडक्ट होगा जो हमने काटा है जो हमने गेहूं काटी है वो हमारी गुड होगी ठीक है और अगर डिले हो जाता है मॉनसून तो क्रॉप की प्रोडक्शन अच्छी नहीं होती ठीक है और क्रॉप की प्रोडक्शन किसके ऊपर डिपेंड होती है इरिगेशन के ऊपर इरिगेशन का पानी कहाँ से आता है इरिगेशन का पानी कैनाल से आता है पंप से आता है या फिर हम इलेक्ट्रिक पंप यूज कर देते हैं या फिर मोटर्स यूज करते हैं ठीक है ना अब इरिगेशन प्रोसेस तो पता चल गया फॉर एग्जांपल राइस प्लांट्स आर ट्रांसप्लांटेड इनटू फील्ड्स फुल ऑफ वाटर राइस प्लांट्स कब उगाए जाते हैं कि जब हम पूरे फील्ड को किससे भर लेते हैं वाटर से भर लेते हैं तब राइस प्लांट उगाया जाता है राइस की सीड तब उगाई जाती है क्योंकि इसको पानी चाहिए होता है लेकिन ट ड वॉटर ठीक है वीट को कोई पानी नहीं चाहिए होता उसको अगर पानी चाहिए होता है तो एट पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम तक चाहिए नाउड प्रोवाइडिंग द राइट अमाउंट ऑफ वॉटर राइट अमाउंट ऑफ वॉटर तो पहुंचा दिया इट इज नुएट ड्रेनेज एडिकुएट ड्रेनेज इन द इिगेटेड फील्ड ड्रेनेज एरिया भी प्रॉपर होना चाहिए है ना यहाँ देखो कितना प्रॉपर बना हुआ है ओके okay?

नेक्स्ट पार्ट अभी हमने क्या करा सबसे पहले हमने क्या किया सॉइल की प्रेपरेशन उसके बाद हमने खाद मिलाई एडिंग मैन्यूर उसके बाद हमने क्या किया सीड्स बोए मीन सोइंग ऑफ सीड्स उसके बाद क्या किया इरिगेशन फिफ्थ प्रोसेस क्या है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड इंसेक्ट्स सीड्स लगा दी पौधा उगना स्टार्ट हो गया लेकिन पौधे के ऊपर अगर वीड्स आ गई अनवांटेड चीजें उगनी शुरू होगी अनवांटेड मक्खी मच्छर आ गए कीड़ा लग गया तब क्या होगा सो द रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स फ्रॉम अ फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग एंड द अनवांटेड प्लांट्स आर कॉल्ड फॉर एग्जाम्पल अमरेंथर्स कीनोपोडियम ग्रास एंड वाइल्ड ओट यू कैन सी है

These are the ये होती हैं जो कि स्प्रे करवाई जाती हैं, फील्ड में सो so खेती है उसमें जितने भी वीड्स हैं, वो सारे बढ़ जाए ठीक है देखो वीडिशाइड ये सारे क्या होते हैं पॉइजनस होते हैं ठीक है तो इसलिए जब भी हम गेहूं खरीदते हैं हम सबसे पहले उसको क्या करते हैं प्रॉपर वॉश करते हैं क्यू वॉश करते हैं ताकि उसमें जितने भी केमिकल्स लगे हो सब बाहर निकल जाए द क्रॉप इन एन ओपन फील्ड आर एक्सपोज टू सेवरल मे डिस्ट्रॉय ऑर्गेनिजमेस्ट्रॉय इंसेक्ट्स आर द वर्स्ट एनिमीज ऑफ द क्रॉप इंसेक्ट्स वर्स्ट एनिमीज होते हैं क्रॉप्स के ये क्रॉप को डैमेज कर देते हैं हर स्टेज की लाइफ साइकिल पे दे डैमेज नॉट ओनली द ग्रेन बट ऑलो द क्रॉप्स पूरी पूरी क्रॉप के ऊपर वीट लग जाता है the organism which cause damage to crops and make them unfit for human consumption are called pest underline this line ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्रॉप को डैमेज कर देते हैं और हमारी बॉडी के लिए अनफिट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं पेस्ट पेस्ट के ऊपर क्या दी जाती है पेस्टिसाइड वो भी एक केमिकल होता है जो कि जनरली क्या होता है पॉइजनस सब्सटेंस जो पेस्ट को फटाफट से किल कर देता है ठीक है अब क्या किया हमने इरिगेशन के बाद प्रोटेक्शन सीखी प्रोटेक्शन के बाद हम सीखते हैं हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग ठीक है व्हिच इज द सिक्स्थ मेथड हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है जब क्रॉप मैच्योर हो चुकी है मींस जब क्रॉप बन चुकी है उसको काटना उसको काटना द कटिंग ऑफ क्रॉप प्लांट क्लोज टू द ग्राउंड और बाय पुलिंग देम आउट हार्वेस्टिंग इज डन बाई हैंड विद क्या होता है ऐसे दिस इज सिकल के हेल्प से इट कैन ऑल्सो बी डन बाई मशीन के बाद नेक्स्ट प्रोसेस चलता है threshing. Threshing का मतलब क्या होता है सपोज ये चावल है आपको पता है चावल एक कवरिंग के अंदर होता है ये बीच में चावल है उसकी कवरिंग है इस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं शैफ और चावल को हम क्या बोलते हैं ग्रीन जब हम ग्रेन और शाफ को अलग अलग करते हैं तो वो किस प्रोसेस से करते हैं थ्रेशिंग थ्रेशिंग की मशीन आती है जैसे गेहूं की भी क्या होती है थ्रेशिंग होती है ठीक है थ्रेशिंग की मशीन आती है लास्ट प्रोसेस विनोइंग ठीक है विनोइंग की बात करते हैं विनोइंग के बाद हमारा सिर्फ स्टोरेज रह जाता है अगर हम विनोइंग की बात करें तो विनोइंग का मतलब क्या होता है कि थ्रेशिंग भी हो गई हार्वेस्टिंग भी हो गई अब क्या होगा को अलग-अलग अलग-अलग टुकड़ों टुकड़ों में में किया जाएगा जैसे देखो पे उन अलग -अलग में सेपरेट करना ठीक है द ग्रेन्स आर थ्रोन फ्रॉम अ हाइट इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड तो क्या होगा जो शैफ होगा वो तो उड़ जाएगा और जो ग्रेन्ज है वो नीचे बैठने स्टार्ट हो जाएंगे यू हैव टू रीड दिस मोटू नो ऑल्सो so we completed all the parts so called soil preparation adding manure sowing of weeds irrigation protection from weeds harvesting so the last process seventh is called storage of grains ab grain to le liya hai na gehu to le le lekin gehu ko store kahan se kare स्टोर कैसे करते हैं हम धूप लगा के स्टोर करते हैं ताकि कोई कीड़ा ना लगे तो कैसे स्टोर करेंगे हम उसको टू प्रमोट द फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन कंटेन मॉइस्चर इनके अंदर मॉइस्चर होता ही होता है तभी हम इसको सुखाते हैं द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर क्या करेगी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कराएगी बैक्टीरिया फंगा को ग्रो करवाएगी उसके बाद जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनको अट्रैक्ट कराएगी क्योंकि उसके ऊपर मॉइस्चर लगा हुआ है तो क्या होगा तो जो फूड ग्रेन है उसके अंदर कीड़ा लग जाएगा ठीक है तो हमेशा याद रखते हैं कि जब भी कोई ग्रेन हम निकलवाते हैं उसको पहले क्या करवाते हैं ड्राई करवाते हैं ठीक है किसके अंदर जूट बैग में करवा देते हैं कंटेनर्स में करा देते हैं उसके बाद हम इसको प्रॉपर जगह पे रखते हैं ठीक है दे ऑफन मिक्स नीम विद द ग्रेन टू कीप अवे पेस्ट क्या सोल्यूशन है नीम के पत्ते डाल देते हैं ताकि जो पेस्ट है वो रिमूव हो जाए

आजकल चल पड़ा है ना ट्रेंड ऑर्गेनिक फार्मिंग घर में छोटी छोटी सब्जियां उगाना ठीक है ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है इट इज द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर दैट ऑन क्रॉप रोटेशन किसके ऊपर डिपेंड होती है कंपोस्ट जो मीन बायोलॉजिकल चीजों पे डिपेंड होती है लेकिन हम इसमें सिंथ जो भी सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स होते हैं उसका यूज नहीं करते दैट इज ऑर्गेनिक नेक्स्ट इज एनिमल हजबेंड्री एनिमल हजबेंड्री एक एग्रीकल्चरल प्रोटेक्ट प्रैक्टिस है जिसमें क्या किया जाता है डोमेस्टिक एनिमल्स का ध्यान रखा जाता है जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो डोमेस्टिक एनिमल्स जैसे कि काओ बफलो इनका ध्यान रखा जाता है इनको प्रॉपर लाइफ स्टॉक दिया जाता है इनको जो जो चाहिए खाने के लिए वो दिया जाता है ठीक है क्यों दिया जाता है ताकि हम लोगों को क्या मिले एक पर्टिकुलर प्रॉपर जो हम चाहते हैं प्रॉपर मिल्क प्रोडक्ट मिले ठीक है एनिमल हस्बेंड्री कैसे होती है एक तो हमने उन गाय भैंस का ध्यान रखा उनको शेल्टर प्रोवाइड की उनको प्रॉपर टाइम में फूड प्रोवाइड किया दैट इज एनिमल हस्बेंड्री एनिमल हस्बेंड्री में कौन कौन आ जाता है मिल्क आ जाता है मिल्क कौन देता है डायरी एनिमल्स देते हैं जिनको हम मिल्क एनिमल भी बोलते हैं डायरी एनिमल्स जनरली कौन कौन से हैं काफलो है ना तो ये हमें क्या देते हैं मिल्क कुछ अदर एनिमल्स भी मिल्क देते हैं जैसे कि गोट हो गया कैमल हो गया ठीक है अब जो घी बटर बनता है वो किसके मिल्क से बनता है मीट प्रोवाइड करते हैं हमारे लिए फॉर एग्जाम्पल गोट चिकन एंड फिश सम अदर सोर्सेज ऑफ मीट फॉर ह्यूमन आर शी प्रॉन्सिम्स एट्सेट्रा मीट के बाद एक और नई चीज आ जाती है दैट इज एग्स एग्स का मतलब अंडे अंडे भी तो आ जाते हैं ना तो अंडे कहाँ से, से आते हैं एग्स कहाँ से आते हैं हेन से आते हैं डक से आते हैं टर्की से आते हैं ठीक है तो अगर हम डक्स को प्रॉपर रख लेंगे हेन को प्रॉपर रख लेंगे तो हमें एग की प्रोडक्शन अच्छी मिलेगी और एग की प्रोडक्शन हमें अच्छी कहाँ मिलती है एक फॉर्म में मिलती है जिसको हम बोलते हैं पोल्ट्री फार्म है ना पोल्ट्री प्रोडक्ट्स आर रिच फॉर प्रोटीन पोल्ट्री किस लिए रिच होते हैं अंडे किस लिए रिच होते हैं? इनके अंदर क्या होता है? शहद. शहद भी मिलता है हमें अब शहद कहाँ से मिलता है हनी बीज से मिलता है और हनी बीज कहाँ होती है बीहाइफ के अंदर होती है मीन्स छत्ते के अंदर होती है वहां से हनी की प्रोडक्शन होती है हनी के प्रोडक्शन को एक नाम दिया जाता है दैट इज आपी कल्चर सो टुडे वी कंप्लीटेड आर चैप्टर नंबर वन इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू बुक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स थैंक यू